बीच आज से शुरू होगा कांग्रेस का यूपी जोड़ों की यात्रा का कार्यक्रम। मठ मंदिरों दरगाहों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके तहत अलग अलग राज्यों से जब ये यात्रा होती हुई गुजरी तब लोगों के साथ में संवाद किया गया। खुद राहुल गांधी इसका नेतृत्व करते हुए नजर आए। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश को साधने के लिए, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव नजदीक है और अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर यूपी को साधने की पूरी कोशिश कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही। क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश देता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में संवाद को आगे बढ़ाना, लोगों के साथ में मुलाकात करना बेहद जरूरी हो जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और इस बात के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी फिलहाल यूपी जोड़ो यात्रा निकालती हुई नजर आ रही है। मठ मंदिरों और दरगाहों पे भी ये यात्रा होती हुई निकलती हुई नजर आएगी आपको।